हेलो दोस्तों दोस्तों घोड़ों के बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, चाहे वो काल्पनिक कहानी खड़क सिंह का घोड़ा हो या फिर भारत के इतिहास में एक अहम स्थान बनाने वाले महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हो। पुराने समय में इनका मेन उपयोग दूर दराज के इलाकों में आने जाने और मुख्य रूप से युद्ध क्षेत्र में युद्ध के दौरान किया जाता था, लेकिन आज के वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित होता गया। दोस्तों जहां पहले ये युद्ध के दौरान काफी गर्व ठाट से चलते थे और इनके कारनामे देखने वाले थे, लेकिन आज शायद ये कुछ मायूस सा लगने लगे हैं। इन पर बैठकर सवारी करने में ये घोड़े भी पूरे ठाट उमंग और गर्व से दौड़ते हैं, और हमने भी सोचा क्यों ना कुछ इनकी मायूसी को दूर की जाए और इनकी सवारी में वही ठाट उमंग रुतबा को महसूस करने की कोशिश की जाए। इनके पैरों की चाल, समुद्र की उफनती लहरें और इनके सिर पर लगी फूलों की कलगी, तीनों एक ही धुन पर लहराते हैं जो कि आपको आनंद से भर देते हैं। तो अगर आप को भी ऐसा कोई मौका मिलता है या आप कहीं घूमने किसी बीच पर जाते हैं तो इनका आनंद लेने में कोई कमी मत छोड़िए। यकीन मानिए आपको इन पर चलते हुए एक अलग ही थाट, एक जज्बा और एक उमंग आपके अंदर भर जाएगा। अब शाम का वक्त हो चला है और सूरज तेजी से ढल रहा है, और अब वक्त है घर की ओर बढ़ने का। कल फिर सूरज की नई किरणों के साथ एक नई उमंग, एक नई उम्मीद, एक नया जोश के साथ इनका सफर शुरू होगा। आप भी ऐसे नए सफर पर बढ़ते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।